राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बंसली उस पर कहा कि कांग्रेस ने सीट का आंकलन करना बीजेपी पर छोड़ दिया। हम चिंतन करने वाले लोग हैं, हमें लोकतंत्र बचाना है और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समुद्र है, थोड़ा बहुत पानी चला भी जाए तो कोई बात नहीं। विवेक तन्खा से खास बातचीत की संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। मेरे साथ राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील देश के विवेक तन्खा जी हैं। सर, बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो 200 पार हो जाए तो बड़ी बात है, 400 पार तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। इसलिए बीजेपी के जुमलों का जवाब देना हमारे लिए अनिवार्य भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। सर, 5 बार के सांसद रहे विजय शास्त्री शिवराज जी और 18 साल मुख्यमंत्री रहे, अब उनका मुकाबला विदिशा में प्रताप भानु जी से। नहीं, हमने कल बोला विदिशा में, हम नामांकन भी हम लोग गए थे, हमने कहा बताओ 5 साल सांसद रह चुके हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब समय आ गया किसी नए व्यक्ति को लाने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने भी उनको एक प्रकार से बैठा दिया है। उनको सीएम से, उनको तो सीएम बनना चाहिए था, नहीं बनने दिया उनको सीएम, अब तो मोहन यादव जी आ गए हैं। तो आपके हित में है, आपके लोगों के हित में है कि एक नया नुमाइंदे को लाइए। और प्रताप भानु जी ने इंदिरा जी के वक्त से जो काम किया है, जिस तरह से इरिगेशन और बिजली का काम किया उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में, एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को आगे लाओगे तो क्षेत्र की उन्नति होगी। सर, लगातार कांग्रेस में भागदौड़ का दौर मचा हुआ है, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। नहीं, वो कुछ लोग ही गए हैं, और कांग्रेस तो एक समुद्र है, अब समुद्र से थोड़ा सा पानी बाहर चला जाता है तो समुद्र छोटा थोड़ी हो जाता है, तो हम तो समुद्र हैं। और कांग्रेस से कई ऐसी वक्त आए हैं, जब 77 का वक्त था, 60 का दशक था, जब लोग छोड़ के गए हैं, दूसरी पार्टीज बनाई हैं, बट कांग्रेस तो कांग्रेस थी।